देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। जनपद कुशीनगर भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रभा पांडे को पार्टी ने उनके कार्यों को देखते हुए दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें श्रीमती पांडे किसी भी महिला के उत्पीड़न को लेकर अपने पदाधिकारियों के साथ हर वक्त आवाज उठाती रहती हैं, साथ ही पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाकर लोगों को जागरूक करती ही रहती हैं। इनकी कठिन मेहनत का फल है कि इसको दोबारा भाजपा महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मोदी जी को मैं अपने जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी को, सबको मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जिला प्रशासन के द्वारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है ऐसा तो हमारे सामने अगर अभी तक कोई आई नहीं बात। ताज़ा मामला गीता स्कूल का जी, ताज़ा मामला गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का। अभी एक महिला को प्रबंधक गाली गलौज फोन पे दिए हैं, ये बहुत, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, ये बड़ी निंदनीय कार्य उन्होंने किया है और इसके लिए प्रशासन लगी हुई है उनकी गिरफ्तारी के लिए और लगातार हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि महिला के सम्मान में उन्होंने जो भद्दी गालियाँ दी हैं ये हम कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।